हेलो गाइस, माय नेम इज आनंद, ए के देवा। वेलकम टू देवा रिएक्ट्स। तो हाँ, फाइनली द बॉयज सीजन 4 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं इसे, क्योंकि सच में बॉयज सीरीज मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। और वायलेंस और जो भी हमें फालतूगिरी दिखाई जाती है और जो भी क्रेजीनेस दिखाया जाता है, उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, और बॉयज़ में वो सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, देर नहीं करते क्योंकि नहीं रहा जा रहा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। I look back at my life and all I see अच्छा are the messes I made. And I ain't got time to fix it. I can do one thing right. With the time I got left, I can't do it alone. वापस आएंगे can't do it without you. The boys. This country is corrupt. इसने जान से भी मार दिया था एक बंदे को, और लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे थे। It's not gonna be easy. We'll have to do some terrible things for the greater good. You'll no longer be beloved celebrities. You will be wrathful gods. Show me a little wrath. That doesn't sound good, Ashley. Well, you know shit, Ashley. Sorry, Ashley. The whole world is about to burn. We need someone like you, Billy, before they start rounding us up and dumping us off in camps. I have found the answer to all our prayers. This is insane and desperate, even for you. Well, insanely desperate's where we are, don't you think, love? Let's go. Chop, chop, motherfuckers. This is a biblical war. ये तो मर गया था, अभी किसको लाए ये लोग? Season on star ladders. This is fucking happening to me again. क्या ये? Look, we've all done bad shit. What's insane is that our solution to every problem is murder. Violence isn't brave. Violence is power. Oh, bhai. Who wants a creamy, delicious milkshake? If we're ever gonna win against monsters, we need to start acting human. इसमें जानवर जानवर भी क्या कंपाउंड भी लेके बैठ गए क्या? You're all fucking welcome. The boys मतलब द बॉयज़ के सीजन से, जो सीरीज से हम लोग जो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे ट्रेलर में तो नज़र आ चुकी है। मतलब लैंग्वेज, मारकाट, खून खराबा, सब कुछ है इसमें। और ऊपर से जैसे कि थर्ड सीजन के एंड में होमलैंडर ने एक बंदे को मार दिया था, क्योंकि वो उसके बच्चे को चिढ़ा रहा था, जानबूझ के चिढ़ा रहा था, तो वो जान से मार दिया, और लोगों ने फिर भी उसे प्रेज़ किया और लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी होगा कि वो लोगों के सामने भी किसी को मारने से नहीं डरेगा। और इवन इस ट्रेलर में एक डायलॉग भी है कि अभी हम कोई सुपर हीरोज नहीं बल्कि गॉड्स हैं। तो समझ जाओ कि क्या होने वाला है। होमलैंडर अभी अपनी टीम को, यानी कि सेवन जो भी उस टीम का नाम है, उसे अभी गॉड वाला दर्जा दे रहा है। मतलब वो जानता है कि हम सुपर हीरोज हैं, हमारे पास पावर है और हम आम इंसानों से कई ऊपर हैं, इसलिए वो हरकतें भी वही करेंगे। और जो हम लोगों ने पिछले के सीजन्स में, सारे सीजन्स में देखा है, क्रेजीनेस और सारी चीज़ें, वो इसमें भी होगी। और इसमें ऊपर से जानवरों को कंपाउंड वी वाली सुपर पावर्स मिलते हुए नज़र आ रही है। इसके पहले के सीजन्स में हम लोगों ने नहीं देखा था कि जानवरों के पास भी सुपर पावर्स है। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे चिकन दिखाए गए हैं जिन पे द बॉयज़ की टीम गोलियाँ चला रही है, लेकिन उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो हीलिंग फैक्टर, हीलिंग एबिलिटीज होंगी उनके पास। और एक शिप को शायद, हाँ शिप ही है वो शायद, जिसको उड़ते हुए दिखाया गया है, तो फ्लाइंग एबिलिटी है। और जानवर है जिन्हें कुछ समझ नहीं है, तो कंपाउंड वी की पावर्स उनके पास आ जाती है तो वो मारेंगे ही लोगों को ऑब्वियसली। तो
क्रेजीनेस तो इसमें होगा ही होगा, और खून खराबा तो ट्रेलर में ही नजर आ चुका है कितना हो सकता है और कितनी पॉसिबिलिटीज है, और बहुत सारी तो ऐसी चीजें भी होंगी जो हम लोगों को ट्रेलर में नजर नहीं आई है, लेकिन सीरीज सरप्राइज करेगी। तो हाँ, सीजन 4 के लिए मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पहली बात तो यह है कि होमलैंडर वही एक है बंदा, अगर वो मर गया तो सच में द बॉयज अधूरी रह जाएगी। हाँ, बिली बुचर भी है लेकिन द बॉयज होमलैंडर के बिना अधूरी रह जाएगी, और उसी के लिए आई गेस ज़्यादातर लोग देखना चाहते हैं क्योंकि सच में वो बहुत खतरनाक विलन है और कोई नहीं चाहता कि वो मरे। हाँ, उसके साथ बुरा हो सब लोग चाहते हैं, लेकिन वो मर जाए और द बॉयज सीरीज ख़त्म हो जाए ये कोई नहीं चाहता। बट हाँ, मुझे नहीं लगता कि अभी ये सीज़न 4 में वो तो मरेगा, क्योंकि अभी उसका बच्चा भी है और क्या क्या कांड होंगे पता नहीं। अभी बच्चा भी शायद होमलैंडर के साथ मिल जाएगा, और बिली बुचर भी अभी थोड़ा सा डिप्रेशन में है कि उसने अगर उसके बेटे का साथ दिया होता तो ऐसा नहीं होता। अभी उसे उस बच्चे को अपनी तरफ लाना है, तो क्या करेगा आई डोंट नो, बट मज़ा ज़रूर आएगा जो भी करेगा उसको देख के। तो हाँ, द बॉयज सीजन 4 का ऑफिशियल ट्रेलर मुझे सच में बहुत पसंद आया। आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा मैंने मुफासा द लायन किंग इसका जो ट्रेलर आया था उसके ऊपर भी रिएक्शन किया है, अगर वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। ट्रेलर वो भी अच्छा था और नया कुछ देखने को मिला था, तो वो भी देख लेना। साथ ही अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है दबा दो, बेल आइकन भी ऑन कर दो, और वीडियो पसंद आया है, मेरा रिएक्शन पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। सो मिलता हूँ ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।